बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 3.8 हम सॉल्व कर रहे हैं, और 3.8 में हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और पिछले में लेक्चर में टाइम पूरा हो गया था, तो इस वजह से बाकी क्वेश्चन इसका यानी कि 22 का रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या था कि हमें गिवन है इन द कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, मतलब कि अभी जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं उस पे डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल बैक्टीरिया इंक्रीज होता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया कि इस स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन लिख ली। हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो पता नहीं है, ठीक है, हमने जनरली खुद ही एक वेरिएबल ले लिया पी, ठीक है। हमने कहा कि लेट पी बी द बैक्टीरिया प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी, ठीक है। उसके मदद से फिर हमने रेट ऑफ चेंज, हमने देखा क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के। तो रेट ऑफ चेंज हमें पता है डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया हमने लिया, ठीक है, और उसको प्रोपोर्शनल रख दिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के, पी को हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। तो वहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया। जनरल सॉल्यूशन के बाद हमने दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को देखा। स्टेटमेंट पहली तो हम यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने अगली स्टेटमेंट को देखा कि इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या कहा गया, यहाँ तक अगर आप देखें तो हमें इनिशियल कंडीशंस बताई गई हैं, मतलब इनिशियली, इनिशियली क्या मतलब, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टाइम जब स्टार्ट हुआ है तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है और बैक्टीरिया की तादाद हमें कह रहा है कि वो 200 होगी, ठीक है। तो हमने टाइम को टी इज इक्वल टू जीरो पुट किया और जो बैक्टीरिया की तादाद है उसको हमने क्या ले लिया, 200 ले लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को पुट करके हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई, 200, ठीक है। सी की वैल्यू 200 आई, वो सी की वैल्यू हमने दोबारा से अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट की, और पुट करने के बाद हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन पे हमने देखा यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है, इनिशियली तक। उसके बाद कह रहे हैं एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों बाद वो क्या हो जाती है, उसकी तादाद डबल हो जाती है। डबल क्या है, मतलब कि पहले 200 थी तो 400 हो जाएगी डबल, ठीक है, मतलब 2 घंटे बाद। तो टाइम टी इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया और बैक्टीरिया की तादाद हमने 400 ले ली। दोबारा से अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने पुट किया ये वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि पी की जगह हमने 400 यूज़ किया, टी की जगह हमने 2 यूज़ किया, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू क्या है, नेचर लॉग ऑफ 2/2 या 1/2 नेचर लॉग ऑफ 2 हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस के की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम पुट करेंगे। तो चलें हम ऐसा ही करते हैं कि P इज इक्वल टू, चलें K इज इक्वल टू हमारे पास ये है, और हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग K इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। K की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में, जो हमारे पास यानी कि पर्टिकुलर आई थी वहां से, मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ कि पर्टिकुलर हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, जहां पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी थी, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पी इज इक्वल टू 200 इंटू ई रेज टू पावर के इन के टी, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे, चले हम ऐसा करते हैं, पी इज इक्वल टू 200 और इंटू ई रेज टू पावर क्या है, इंटू ई रेज टू पावर के टी, के की वैल्यू 1/2 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, टी, ठीक है। अब यहां से आप देखें, ये हम के की वैल्यू तो पुट कर रहे हैं, ठीक है, के की वैल्यू हम यहां पर पुट कर रहे हैं, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, ये पी इज इक्वल टू 200 एज इट इज, ठीक है, और साथ में 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि e की पावर टी बाय 2, यानी कि टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी बाय 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अच्छा, पी इज इक्वल टू 200, अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं,
या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं ई रेज टू पावर, यानी कि अब टी बाई टू जो है टू की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं टी नेचुरल लॉग ऑफ टू रेज टू पावर टी बाई टू, ये बन गया, ठीक है। तो अब देखें ई और नेचुरल लॉग आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी होगी, ठीक है। तो नेचर लॉग और ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी 200 इंटू टू की पावर टी बाय टू, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ई ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा से अपनी स्टेटमेंट पर आएंगे, यानी कि क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, यानी कि टी जब इज इक्वल टू 4 हो तब आपने बैक्टीरिया की तादाद मालूम करनी है। तो टी को हम पुट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 4, ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। तो इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 200 इंटू 2 रेज टू पावर 4 बाय 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 200 इंटू 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 4। यहाँ से पी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो है 800, मतलब कि जब 4 घंटों बाद हमारे पास इसकी तादाद कितनी होगी, 800 हो जाएगी बैक्टीरिया की। तो यही हमने यहाँ पर फाइंड करना था, यानी कि आप अपने क्वेश्चन को पहले समझें, उसके बाद समझने के बाद आप उस पर अप्लाई करते जाएं जो जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अभी तक हमने जो इंटीग्रल पढ़ा, डिफरेंशिएशन की इक्वेशन पढ़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट में यहां पर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ हमने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ हमने एक बॉल को फेंका वर्टिकली, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आपने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना है, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। चलें जी, हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है, तीन पार्ट्स हैं इसके, एक तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, यानी कि किसी बॉल की आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, यानी कि किसी भी टाइम पे आप अगर फाइंड करना चाहें वेलोसिटी, तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करें, यानी कि सपोज 1 सेकेंड पुट करते हैं टी की जगह, तो आपके पास उसकी वेलोसिटी आ जानी चाहिए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो चलें हम पहले वेलोसिटी की इक्वेशन ही फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ा रहा था मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, उसमें भी हमने बात की थी कि सपोज हम एक बॉल लेते हैं, सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, इसको थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इस तरह से ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगी बॉल, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वर्टिकली है, और वहाँ से जाके फिर वापस आएगी। लेकिन अभी तक हमने क्या फाइंड करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी। जब मैंने बात की थी कि अर्थ की तरफ जब बॉल वापस आती है, किस वजह से आती है, अर्थ की तरफ वापस आती है ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी क्या है, जी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटी यानी कि हर एक चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ, वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये मतलब कि हम इसको कह सकते हैं ये एक एक्सेलरेशन है, इतने एक्सेलरेशन से बॉल वापस आएगी। लेकिन जाएगी फिर किस एक्सेलरेशन से, जाएगी नेगेटिव जी से, मतलब जिस जितनी स्पीड से या एक्सेलरेशन से वापस आएगी बॉल, उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसको नेगेटिव जी अपवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो हमने कर ली, अब हम एक्सेलरेशन देख चुके हैं कि बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, और एक्सेलरेशन इक्वल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
यानी कि डी वी ओवर डी टी, ठीक है, जो कि हमने बात की कि किसकी इक्वल है, माइनस जी के इक्वल होगा। और यहाँ से हमारे पास मतलब के डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी, यानी कि मैंने इसको डी टी को राइट साइड पर मैं ले गया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, यानी कि बोथ साइड्स मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए, ठीक है, सोल्यूशन आ जाए। तो वन को विद रिस्पेक्ट टू डी वी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा इसका इंटीग्रल, और इसी तरह से माइनस सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, माइनस सी बाहर आ जाएगा, और वन डी टी जो है आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और वन का इंटीग्रल क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे तो टी आ जाएगा, तो और ये रिजल्ट हमारे पास वी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी आ गया, या सी वन इसे कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी क्वेश्चन में कि हमारे पास इनिशियली स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली हमने बॉल को कितनी वेलोसिटी से भेजा है, 2450, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियली टाइम क्या होता है, इनिशियली टाइम होता है t इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टाइम जब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चलो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जब हमारे पास टाइम जो है t इज इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, उस वक्त वेलोसिटी किसके इक्वल थी, उस वक्त वेलोसिटी हमने बात की इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने बात की थी। तो चलें हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, b की जगह 2450 आ जाएगा, और माइनस c एज इट इज, और t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब के जीरो हो जाएगा, और प्लस c1, यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी 2450, ठीक है, मतलब कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है 2450। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा अपने जनरल सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन ये आ चुका था हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन ये आ चुका था हमारे पास, इसमें वापस पुट करते हैं c1 की वैल्यू, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 2450, c1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अच्छा, अब g की वैल्यू भी होती है, ठीक है, g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 980 टी प्लस 2450 इज इक्वल टू v, या फिर नेगेटिव जो टर्म है उसको आप बाद में लिख लें, 2450 माइनस 980 इंटू टी इज इक्वल टू वी। ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है जो कि रिक्वायर्ड थी, ठीक है, ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप टी की वैल्यू पुट करें, अगर टी इज इक्वल टू 1 पुट करें तब आपके पास वेलोसिटी एट टाइम टी यानी कि 1 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है, अगर 2 पुट करें तो मतलब कि आपके पास 2 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी आ जाएगी बॉल की, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम टी, मतलब जिस तरह से आपने वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड की है, ठीक है, उसी तरह से आपके पास डिस्टेंस की इक्वेशन भी आनी चाहिए कि आप डिस्टेंस फाइंड कर लें टाइम की वैल्यू पुट करके। सपोज 1 सेकेंड में आप पुट करते हैं, तो 1 सेकेंड आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे टी की जगह, और आपके पास डिस्टेंस आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस के लिए आप कहते हैं कि सपोज h जो है ना, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी हाइट पे जाएगी, हम h उसको हाइट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं लेट h बी हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम t पे आप उसकी हाइट जो है उसको जनरली बता रहे हैं कि वो क्या है, h है। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ इस केस में हाइट होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है, मतलब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट चेंज हो रही है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, वेलोसिटी की हमने बात की थी तो किसके इक्वल आई थी, 2540 या 2450 था, 2450 माइनस 980 टी, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं हमने वेलोसिटी की जो इक्वेशन देखी है, वेलोसिटी किसके इक्वल है, 2450 माइनस 980 टी, ठीक है। यहाँ पर हमने वेलोसिटी का फार्मूला देखा कि वेलोसिटी है किसके इक्वल, और ऊपर हमने हमारे पास इक्वेशन वेलोसिटी की क्या आई थी, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो हमारे पास डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू बन गया 2450 माइनस 980 टी के इक्वल, ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चलें इंटीग्रेट करते हैं, उससे पहले हम इसको सेपरेबल बनाएंगे। सेपरेबल बनाने के लिए डी एच इज इक्वल टू 2450 इंटू डी टी माइनस 980 टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट, हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एच आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एच हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन को एच आ गया। राइट साइड पे 2450 जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वन जो है वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी आप फाइंड कर रहे हैं तो वो आ जाएगा टी माइनस, अब 980 इंटीग्रल से बाहर कॉफिशियंट आ जाएगा, ठीक है, कॉफिशियंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद टी अंदर बचेगा, टी स्क्वेयर बाय टू उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, टी स्क्वेयर बाय टू। उसके अलावा यहाँ पर हम कांस्टेंट को ही ऐड करेंगे, मतलब सी टू इसे कह देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा अब चलें इसको हम पहले डिवाइड भी कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू बन जाएगा, एच इज इक्वल टू 2450 टी माइनस, इसको अगर डिवाइड करते हैं टू से तो क्या बन जाएगा, 490 टी स्क्वायर प्लस सी टू। ये हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये है जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस देखनी है, मतलब कि जब हमने बॉल को थ्रो किया था, अब यहाँ से फिगर से देख सकते हैं कि जब हमने बॉल को थ्रो किया था तो इनिशियली टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है। और उस वक्त हाइट कितनी थी, हाइट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, वो भी जीरो थी, ठीक है। यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एच इज इक्वल टू क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एच इज इक्वल टू जीरो है। तो आप ये पुट कर सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू टाइम टी जीरो पुट करेंगे, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, प्लस सी टू आ जाएगा, ठीक है। तो सी टू इस केस में क्या, इस सी टू की वैल्यू आई है, सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको पुट कर देते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन में तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलें पुट कर देते हैं, एच इज इक्वल टू 2450 टी माइनस 490 टी स्क्वायर, ये हमारे पास जो है हाइट की इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें आप मतलब के टाइम टी यानी कि वन, अगर पुट वन सेकेंड के बाद आप हाइट पुट चेक करना चाह रहे हैं कितनी है तो यहाँ पे वन पुट कर दें टी की जगह, आपके पास हाइट आ जाएगी। टू सेकेंड के बाद चेक करना चाह रहे हैं टू पुट कर दें, थ्री सेकेंड यानी कि जितने टाइम के बाद भी आप चेक करना चाह रहे हैं हाइट, तो वो टाइम की वैल्यू आप इसमें टी की जगह पुट कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगी हाइट की वैल्यू, ठीक है। यही इक्वेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर है थ्री। पार्ट नंबर थ्री में हमें कहा गया है मैक्सिमम हाइट अटेंड आपने फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, मतलब के मैक्सिमम हाइट कितने कहां तक जाएगी बाय द बॉल, मतलब आप अगर किसी बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये किसी पॉइंट पे जाके टर्न करती है, वापस को आती है, ठीक है, वापस आती है और मैक्सिमम
किस हाइट तक जाती है जहां पर जाके ये टर्न करती है, वो हाइट आपने इसकी फाइंड करनी है। तो वो हाइट आपके पास कैसे आएगी? देखें, अब यहां से आप बॉल को फेंकते हैं ऊपर, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि यहां से पहले बॉल मूव करी है, एक वेलोसिटी के साथ मूव करी है, ठीक है, ऊपर जाके यहां पर आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक दफा बॉल रुकती है फिर वापस की तरफ मूव करती है, ठीक है, वापसी पे मूव करती है, लेकिन यहां पर जाके जब रुकती है तो यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एक दफा बॉल ऊपर जाके रुकती है फिर वापस टर्न करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन हमने फाइंड की थी सेकंड पार्ट में शायद, या फर्स्ट पार्ट में, हाँ फर्स्ट पार्ट में हमने वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या है, वी इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 t, ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी। अब हमने वेलोसिटी को जीरो पुट कर देना है, ठीक है, वेलोसिटी को चलें जीरो पुट कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जीरो इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 t, यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आप फाइंड कर लें, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2 सेकेंड। इस 5/2 सेकेंड का मतलब क्या है कि 5/2 सेकेंड पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है बॉल, ठीक है, 5/2 सेकेंड्स पे जाके, मतलब कि यहाँ से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक जितना टाइम लगा वो क्या है, 5/2 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम तो इतना लगा, हमने तो हाइट मैक्सिमम फाइंड करनी है, हाइट किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, हाइट की इक्वेशन भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, एच इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है ये, अब इसमें आप पुट कर सकते हैं टाइम 5/2, ठीक है, ये हमने कहा था ना कि किसी भी टाइम पे आप फाइंड करना चाहें हाइट तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो एच मैक्सिमम किसके इक्वल है, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, वो इक्वल होगी इस इक्वेशन में हम 5/2 पुट करेंगे तो, ठीक है, यानी कि 2450 × 5/2 -490 into 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इसको आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है 30.625 meters, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट है जो बॉल अटेन करे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, तो ये यानी कि एप्लीकेशन ऑफ, आप इसे कह सकते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन, यानी कि 21, 22 और 23 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया, इस लेक्चर में हमने 23 सॉल्व किया, तो ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, टाइम भी ओवर हो चुका है।